हाय गायज, वेलकम टू माय चैनल। और गायज, आज हम इस सर्किट की रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इसमें ये कैसे काम करता है और ये कंपोनेंट इसमें क्या काम करते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक इन्वर्टर सर्किट है, ये पी चैनल मॉस्फेट है, ये एन चैनल मॉस्फेट है, और ये इसका गेट कंबाइन किया हुआ है दोनों का। और ये हमारा, आप कह सकते हो कि गेट पे हमने कुछ प्रोटेक्शन लगा रखा है, इसको प्रोटेक्शन ही सर्किट बोलते हैं। ये आरसी सर्किट है, तो ये हमारा कुछ चीजों से प्रोटेक्ट करता है। अब वो कैसे करता है वो देखते हैं। पहले मैं इसकी आपको फंक्शनलिटी बता दूं। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस रीडर से जो सिग्नल आएगा पहले इसको चार्ज करेगा, फिर यहाँ पर वो सिग्नल पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ डीले जनरेट होता है। तो वो डीले हम कैसे देख सकते हैं, जब आप इनपुट दोगे तो उसके कुछ समय बाद आउटपुट आपकी चेंज होगी, वो इस कैपेसिटर के कारण डिले होगा। अब हम इसको लो करते हैं, ये हाई हो गया। अब इसको हाई करते हैं, ये लो हो गया। एकदम से नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है, वो ले रहा है इस कैपेसिटर के कारण। तो एक तो इसका यूज ये है कि अगर हमें थोड़ा सा डिले जनरेट करना है इनपुट आउटपुट में, तो हम यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। इन्वर्टर की फंक्शनलिटी आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ हाई है तो ये आउटपुट लो होगी, और ये लो है तो यहाँ आउटपुट होगी, क्योंकि पी चैनल जो है वो लो सिग्नल से ऑन होता है, और जब लो ये ऑन होगा तो ये वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगी। और एन चैनल जो है मॉस्फेट, वो हाई सिग्नल से ऑन होता है, तो एक बार में एक ऑन होगा एक ऑफ होगा, एक ऑफ होगा तो एक ऑन होगा, तो दोनों वाइस वर्सा रहेंगे। तो एक तो हम मेनली इन दो कंपोनेंट पर फोकस करेंगे आज इस सर्किट में, क्योंकि मैंने इसका पहली वीडियो में डिस्क्रिप्शन कर दिया है। तो कैपेसिटर का मैंने बता दिया। दूसरा इसका एक यूज क्या है, दूसरा ये है कि अगर कोई हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज आ रही है, तो जैसे कि मैंने बताया ना अभी अभी, अगर हम यहाँ से हाई सिग्नल दे, ये डिस्चार्ज हो गया फुल, इधर लो है ना, तो ये डिस्चार्ज हो गया, इधर इधर करंट फ्लो होगी। अगर ये लो होगा तो इधर करंट फ्लो होगी, अगर ये चार्ज होगा, और अगर ये हाई होगा तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ये चार्ज होगा, फिर यहाँ पर गेट पे वोल्टेज बनेगी, तो ये गेट के थ्रेशोल्ड की वोल्टेज के बराबर होने पे ये मॉस्फेट ऑन हो जाएंगे। मॉस्फेट यानी कि एक ही ऑन होगा हाई पे। तो दूसरा इसका यूज क्या है, अगर कोई स्पाइक वगैरह आई, नॉइज वगैरह, तो पहले इसको कैपेसिटर को चार्ज करेगी और तब जाके गेट पे इफेक्ट करेगी, यहाँ पर वोल्टेज बनेगी अगर वो ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा ड्यूरेशन की है, ठीक है। तो दूसरा जो इसका यूज है, वो फॉल्स ट्रिगरिंग को रोकने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि नॉइज आती रहती है। हालांकि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, फिर भी कोई नॉइज, हाई वोल्टेज की नॉइज आएगी तो कैपेसिटर क्या है, उसको एब्जोर्ब कर लेता है, अगर वो कम ड्यूरेशन की है। अगर ज्यादा ड्यूरेशन की है तो भाई कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा, और जब ये चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज बनेगी, यहाँ पर वोल्टेज बनेगी, तो इसको ऑन ऑफ कर देगी सर्किट को। तो दूसरा यूज इसका फॉल्स ट्रिगरिंग के लिए किया जाता है, एक डीले के लिए, एक फॉल्स ट्रिगरिंग के लिए। दोनों यूज अलग अलग है। जहां आप डीले यूज करना चाहते हो वहां पर आप फॉल्स ट्रिगरिंग तो मिलेगी आपको डीले में, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है उसका, वो फॉल्स ट्रिगरिंग को रोकने में किया जाता है। डीले में बहुत ही कम एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, डीले का इसका इतना यूज नहीं है। अब बात करते हैं इस कैपेसिटर की, ओ सॉरी, इस रेजिस्टेंस की। तो ये रेजिस्टेंस आपने देखा होगा मोस्टली, जैसे एक हमारा मॉस्फेट है और उसको एलईडी ड्राइवर सर्किट है, तो वहां पर हम ये लगा देते हैं, और इस केस में भी लगाते हैं। मतलब जहां भी आप मॉस्फेट यूज करोगे, आपको ये रेजिस्टेंस तो यूज करना ही है, गेट रेजिस्टेंस तो यूज करना ही है। वो क्यों करेंगे, कुछ लोग समझते हैं कि इसकी खुद की इनपुट इम्पीडेंस, जो गेट की इनपुट इम्पीडेंस होती है 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, बहुत ज्यादा होती है, तो हमें रेजिस्टेंस यूज करने की जरूरत क्या है। तो इसका पहला यूज जो है वो ये है कि आपको ये मॉस्फेट सर्किट है, इधर कोई भी आपका एलईडी ड्राइवर सर्किट है, या इन्वर्टर सर्किट है, या कोई भी मोटर ड्राइवर सर्किट है, तो उसको, और इधर आपका ये कंट्रोलर होगा, प्रोसेसर होगा, इसको ड्राइव करने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए। तो एक तो उसको आइसोलेट कर देता है बीच में रेजिस्टेंस लगा के, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता आपके इस सर्किट से, ठीक है।
कभी कभी ऐसा होता है कि ये सर्किट खराब हो गया और बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कंट्रोलर को भी खराब कर देता है। तो एक तो प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, दूसरा यूज भी इसका प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। वो क्या होता है कि ये जो मॉस्फेट होते हैं, आप सिंगल मॉस्फेट यूज कर लो या ये इन्वर्टर यूज कर लो, इनमें कैपेसिटेंस रहती है गेट टू ड्रेन, गेट टू थ्रेड सोर्स, गेट टू ड्रेन एंड गेट टू सोर्स। तो वो जैसे यहाँ पर हाई सिग्नल होता है तो वो कैपेसिटर जो है होते हैं, जिनको पैरास्टिक कैपेसिटर बोलते हैं, तो वो चार्ज होते हैं, एकदम से चार्ज होते हैं। जैसे हाई हुआ तो एकदम से वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि उनको चार्ज होना है। इसलिए ये रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उस करंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस तो है ही है, लेकिन वो कैपेसिटर ऐसे होते हैं ना अंदर, इसमें कैपेसिटेंस बन जाती है, वो बनाते नहीं है, वो पैरास्टिक कैपेसिटेंस होती है जो हर कंपोनेंट की होती है, तो वो ऐसे बन जाती है। तो उसके चार्ज को रोकने के लिए, एकदम से जो सडन चार्ज होगा, एकदम हाई करंट फ्लो होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये रेजिस्टेंस लगाते हैं। दूसरा यूज हो इसका ये हो गया। उससे क्या होगा, अगर हम ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो कंट्रोलर से एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी, कंट्रोलर की जो जीपीआई जो पिन होगी उससे एकदम से बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा ये सर्किट, और वो कंट्रोलर खराब भी हो सकती है। तो इसलिए उसको एकदम से जो करंट फ्लो होगी उसको रोकने के लिए हम ये रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इसका भी दो यूज हो गया, ठीक है। हालांकि इससे थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन वो इतना वो नहीं करता, हमारा सर्किट का प्रोटेक्शन ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसमें भी कुछ कैपेसिटेंस होता है, पैरास्टिक कैपेसिटेंस, हर कंपोनेंट में पैरास्टिक कैपेसिटेंस इंडक्टेंस होता ही होता है। जो कैपेसिटर होगा वो प्योर कैपेसिटर नहीं होगा, उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, उसमें इंडक्टेंस भी होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो प्योर रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसमें कैपेसिटेंस भी होगा, उसमें इंडक्टेंस भी होगा। तो इसका मेनली ये यूज है इस सर्किट का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसको एक बार चला के देख लेते हैं। लो हो गया, अब ये देख सकते हो आउटपुट यहाँ पर, और इसको मैंने लो किया तो ये हाई हो गया। गेट की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होती, होती है बहुत ही नैनो एम्पियर में, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि कैपेसिटर इधर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, जब ये लो होता है तो इधर को डिस्चार्ज होता है, ऐसे करंट फ्लो होती है, और जब ये हाई होता है तो ऐसे करंट फ्लो होती है, और ये चार्ज होता है, और जब ये चार्ज होगा तो इसकी वोल्टेज ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। तो जैसे ही इसकी वोल्टेज, कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज, इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर पहुंचती है तो ये इसको चार्ज करता है, वो ऑन कर देता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा सर्किट, और सर्किट समझ आया हो तो सर्किट को, सॉरी वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। इस टाइप की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। जय हिंद।